धरातल से रोड गायब सरपंच सचिव व रोजगार सहायकों ने डकारे लाखों, जिम्मेदार अधिकारी मौन। शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही है कार्यवाही। खनिया थाना जनपद सीओ व एसडीएम को दे चुके हैं ग्रामीण शिकायती आवेदन। सचिव का कहना, ये सब तो सिस्टम का खेल होता है, कहीं भी कर लो शिकायत, मेरा कुछ नहीं कोई कर सकता। खनिया थाना जनपद के ग्राम पंचायत रेवई में घटित हुए करोड़ों के घोटाले, सरपंच सचिव के द्वारा इंजीनियर से साठगांठ करके सरकार के खजाने से करोड़ों निकाल लिए गए, काम ढेले भर का नहीं किया गया। खनिया थाना जनपद की ग्राम पंचायत रेवई में ग्राम पंचायत लंबे समय से भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। यहां के विभागीय प्रमुखों ने सरपंच सचिव रोजगार सहायक को अपने कमीशन के लालच में करोड़ों की राशि आहरण कर दी है। शासन भले ही जिले की ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की करोड़ों रुपए राशि जारी करता है, लेकिन इस राशि को सहायक यंत्री और इंजीनियर किस तरह अनुमति देकर किस प्रकार से फर्जी टीएस और मूल्यांकन करके जमकर दुरुपयोग करा रहे हैं, ये ग्राम पंचायतों में इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पंचायत राज संचालनालय के निर्देशों के बाद ग्राम पंचायतों में फर्जी तरीके से राशि आहरण कराकर विकास कार्य का सिलसिला जारी है। नरेगा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क से मजरा उसरा तक कार्य की स्वीकृति लागत जो 14,07,000 है, जिसमें से आपको बता दें कि काफी 13,00,000 रुपए निकाल लिए गए। मजरा उसरा से खरिया की ओर से कार्य स्वीकृति 14,28,000 थी, जिसमें से करीबन 13,90,038 रुपए निकाल लिए गए हैं और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने खनिया थाना जनपद के सीओ व एसडीएम से भी की है, लेकिन अभी तक कार्रवाई देखने को नहीं मिली। ग्रामीणों ने जब सचिव से बात की तो सचिव का कहना है कि ये सब सिस्टम का काम होता है, कहीं भी शिकायत कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। देखने वाली बात होगी कि राशि कैसे आहरित हुई, और अगर राशि आहरित हुई है तो धरातल पर क्यों नहीं हुआ। फिलहाल राशि आहरित होने के बाद से अभी तक रोड का निर्माण नहीं कराया गया, से ये सब साबित होता है कि सिस्टम का काम है, जिससे राशि तो आहरित हो गई है और पूरी राशि की मिलीभगत कर दोनों सड़क की राशि हड़प ली गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजेंद्र यादव है, मैं ग्राम पंचायत रेवई का रहने वाला हूँ। 2020 में दो रोड स्वीकृत हुई है मेरे ग्राम पंचायत में, जिसमें ना ही GST कंक्रीट हुआ है, ना ही रोलिंग की है, और इसमें 27,00,000 की राशि थी, और पंचायत के सेक्रेटरी विकास पाठक द्वारा पूरी निकाल दी गई है, और जी पोर्टल पर पूरा कंप्लीट दिखा है, कोई भी काम कंप्लीट नहीं। ग्राम पंचायत रेवई में वर्ष 2020 में नरेगा योजना के अंतर्गत दो रोड स्वीकृत हुए थे, एक रोड की लागत 14,07,000 रुपये और एक रोड की लागत 14,28,000 रुपये। मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, और जिसमें GSP कंक्रीट मटेरियल ना रोलिंग की गई है, और सचिव विकास पाठक ने नरेगा पोर्टल पर रोड कंप्लीट दिखाकर पूर्ण राशि हड़प ली है। मैंने खनिया थाना जनपद CO को भी आवेदन दिया है, SDM साहब को भी आवेदन दिया है, मैंने इस चीज़ में जिला पंचायत CO सर को से भी मेरी बात हुई, इस चीज़ में अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी पंचायत में क्या हुआ मामला रे भाई? में मेरे पंचायत में 2020 में दो रोड स्वीकृत हुए थे जी, उनमें से कुछ भी काम नहीं हुआ है। मौके पर अभी यहाँ के आके देखा तो इसमें ना रोलिंग हुई है, ना GST मटेरियल डला हुआ है, और करीबन 27,00,000 रुपए इसमें से निकाल लिए है सचिव विकास पाठक द्वारा।